वेलकम गाइस, भाई कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे एंड भाई अच्छे ही रहना। तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक न्यू फ्रेश वीडियो में। एंड भाई आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है, तो इसे यार एंड तक तो देख लेना गाइस। तो गाइस देखो, वैसे तो यार मैं आपको हमेशा यार ट्रिक ग्लिच भाई बग वगैरह फिर फायर का बताता रहता हूँ भाई, काफी ज्यादा मस्त मस्त। लेकिन गाइस आज का ग्लिच भाई हद ही होगा यार, बहुत ही ज्यादा ऑसम। देखो गाइस ये ग्लिच होने वाला है फ्री फायर मैक्स रिलेटेड, और जो हमारा न्यू मैप आया भाई क्राप लैंड का, उसके अंदर अगर भाई क्राप लैंड का मैप खेले ना भाई, इतने ज़्यादा ग्लिच हैं यार, मैं क्या बताऊँ आपको। आप पूरी वीडियो देखना भाई, अब गिन नहीं पाओगे। तो आपका एक काम है, मैं आपको वीडियो बना एंड में आपको कमेंट करना है भाई इस गेम में हमने कितने ग्लिचेस को कलेक्ट किया है। तो गाइस आपका काम है भाई कितने ग्लिचेस से काउंट करना है यार, काउंट नहीं कर पाओगे भाई इतने ज्यादा ग्लिच। और गाइस भाई वो भी एक ही मैच में, मतलब यार एक मैच के अंदर इतने सारे ग्लिचेस यार, करीना वाला भाई इतना बड़ा गलती यार कैसे कर सकता है? एक दो है ना तो यार बात ही बात है, लेकिन एक ही गेम के अंदर इतने सारे ग्लिच भाई बहुत ज्यादा खतरनाक। तो देखना का, चलो यार बिना देर के भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड सारा चीज आपको बताते हैं भाई कौन सा ग्लिच एंड कैसे होने वाला। चलो गाइस भाई हमारा राउंड शुरू हो चुका है एंड गाइस अब देखो भाई ये रहा पहला हाउस ग्लिचेस का पहला नंबर, ये हाउस देख रहे हो गाइस। तो मान लो यार फ्री फायर के अंदर मैप का है तो भाई हाउस वगैरह तो देखने को मिलेंगे। चलो इस हाउस के अंदर चलते हैं एंड अंदर आने के बाद ये छोटा सा यार बालकनी जैसा है, इसके ऊपर अपने फ्रेंड को खड़े रहना है एंड जस्ट यहाँ से फायर करो भाई। एनिमी वगैरह आएंगे तो यार वो इधर उधर जाएंगे, लेकिन गाइस यहाँ पर फायर करते करते भाई आपकी गोलियाँ खत्म हो जाएगी अनलिमिटेड, लेकिन बंदे का कोई भी कुछ नहीं होने वाला गाइस। देखो आप मत बोलना भाई अनलिमिटेड हेल्थ है यार, देखो हमारा हेल्थ 500 का है, लेकिन भाई डैमेज तो देखो भाई कितना ज़्यादा मार रहे हो, तब भी बंदे का कुछ भी नहीं होने वाला भाई। कुछ भी कर लो, कितना भी मार लो, कोई भी डैमेज आपको नहीं मिलेगा, चाहे यार ऊपर से मारो या फिर चाहे नीचे से मारो, कोई भी डैमेज नहीं मिलने वाला, ये देख लिया। चलो गाइस अभी और भी दिखाते हैं भाई, अभी रुको अभी भाई जाना नहीं, ऐसे ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसे देख के आप यार पूरे शौक होने वाले हो। एंड दूसरी नंबर गाइस देखो भाई, दूसरा नहीं आप ही काउंट करना है, काउंट करना, इस घर के सामने आना है किसी भी हाउस के सामने एंड जस्ट अपने गेम को मिनिमाइज करोगे आपका कैरेक्टर अंदर चला जाएगा भाई। देख रहे हो अगर कोई बंदे वगैरह भाई अंदर से बाहर आना चाहे तो भाई वो इजीली आ सकते हैं, सामने जाना है गेम को मिनिमाइज करना है एंड जस्ट आपका कैरेक्टर अंदर। उसके बाद भाई ए वाला स्नाइपर टावर के पास आना है एंड यहाँ पर देखो यार हम आर पर बंदों को देख सकते हैं, लेकिन आप फायर करोगे आपका डैमेज एक भी नहीं होने वाला गाइस। देखो अब गाइस यहाँ पर देखो मैं बनाता हूँ भाई, स्नाइपर टावर रखते हो, लेकिन गाइस स्नाइपर टावर आने के बाद हम नीचे आने के बाद फायर तो कर ही सकते हैं, लेकिन नहीं गाइस यहाँ पर आपको एक इनविजिबल दीवार मिलेगा जिससे आप मार सकते हो, लेकिन आपको फेक डैमेज मिलेगा भाई, उसे किल नहीं कर सकते, कितना भी कर रहे हो मारने की कोशिश वो नहीं मारने वाला। एंड जस्ट उसके सामने भाई ये सीढ़ियों वाला भी काम करता है गाइस, देखो ये सामने एक सीढ़ी मिल रहा है, इसके आर पार भाई गंद गोली वाला सब जा रहे हैं, डैमेज भी मिल रहा है, लेकिन गाइस वो फेक डैमेज, वो बंदा मरेगा नहीं भाई। देख रहे हो यार क्या ही मतलब भाई ऐसे कस्टम बनाने का, देखो जब बंदे वगैरह मरेंगे नहीं तो क्या फ़ायदा भाई ऐसे कस्टम खेलने का। अब कितना भी कर लो कोशिश यार, कोई भी एनिमी यहाँ से किल नहीं होने वाला भाई, कितना भी मारो यार आपकी गोलियाँ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बंदों का कुछ भी नहीं होने वाला। और गाइस ये भाई इसे क्या बोलते हैं यार, मैंने इसे लगाया, इसके बाद देखो ये भी डैमेज नहीं दे रहा है, अगर वो साइड से थोड़ा आता है तब उसे डैमेज देखने को मिलता है, लेकिन इसका आर पार भाई ये भी नहीं मार रहा यार, इसे नाम पता नहीं यार क्या है, आप कमेंट करके बताना। तो देखो ये डैमेज भी दे नहीं पाता। अभी रुको गाइस भाई अभी ख़त्म नहीं हुआ, देखो भाई इसे देखो तो आप कभी नहीं देखोगे, देखो ये वाला जो गाड़ी है ना इसे आप हमेशा ट्रेनिंग में ही चलाओगे, क्या आप कभी इसने ब्लास्ट करके देखो भाई ये ब्लास्ट करने के बाद दिखता कैसा है, कभी नहीं देखोगे यार, ट्रेनिंग में गाओ कहीं दिखता ही नहीं। देखो सामने एक हमारा बग गया भाई, इसे हमने यहाँ पर फोड़ा, चलो गाइस दोनों गाड़ी सेम देखने को मिल रहा, देखो वो दोनों को फोड़ दिया। अब गाइस इसे भी ब्लास्ट करके दिखा देता हूँ भाई, आपने इससे पहले तो यार इसे कभी भी नहीं देखा होगा, ब्लास्ट होने के बाद ये व्हीकल दिखता कैसा है, तो चलो यार मैं दिखाता हूँ आपको भाई, देख लो ये व्हीकल दिखता कैसा है। ये सेम टू सेम यार हमारा जो बग्गी कार है ना भाई, जो पानी के अंदर चलता है वो सेम टू सेम इसी तरह से देखने को मिल रहा है। देखो इससे पहले भाई आपको कभी किसी ने भी नहीं बताया होगा ये गाड़ी ब्लास्ट होने के बाद दिखता कैसा है, देख लो गाइस ये सेम टू सेम पानी के अंदर चलने वाला कार के अंदर ही दिखता है, और भाई बस उस ऊपर से यार कवर बना के भाई उसे डिजाइन वगैरह चेंज कर दिया, बाकी सब कुछ यार सेम है पूरा, और बग्गी के राय देखने को मिलता है। एंड भाई ये वाला देखो, अगर आप कस्टम खेलते हो और भाई आपने लॉन्चर ले लिया तो समझो यार आपने अपने खुद का मौत को दावा दिया भाई, देखो लॉन्चर को मैं यार फायर कर रहा हूँ यार, लॉन्चर वहाँ जाने से पहले मुझे ही डैमेज कर रहा है भाई, ये कैसा ग्लिच यार। देखो जैसे सामने आते हो लॉन्चर को फायर करते हो भाई, सामने वाले बंदों को डैमेज दे या ना दे आपको यहाँ पर कंफर्म से डैमेज देखने को मिलेगा,
और ये गाने वगैरह देख रहे हो ना, ये कोई ट्रिक वगैरह नहीं है भाई, ये ऑटोमेटिक अपने आप हो रहा है गाइस। देखो अगर आप इसके अंदर भाई गाड़ी वगैरह सेट करते हो और उसे चलाते हो, ड्राइव करते हो, तो गाइस भाई वो अपने आप यार डांसी कार बन जाएगा भाई। पता नहीं यार क्या क्या होते रहते हैं यार, आपने देखना गाइस। ये देखो हमने फिर से लॉन्चर को फायर किया और भाई मुझे ही डैमेज पड़ रहा है यार। सामने लॉन्चर जाने से पहले भाई मेरे को भी डैमेज पड़ रहा है, देख सकते हो लॉन्चर से। मतलब यार आप ना गन से किसी को किल कर सकते हो और ना ही लॉन्चर से, भाई क्या फायदा है ऐसे क्राप लाइन का भाई। देखो और भाई ये व्हीकल वगैरह तो यार ये तो हद ही कर दे भाई, ये अपने आप हवा में चलते हैं, कभी यार नीचे चले जाते हैं। बस आपको ड्राइव करना है, कुछ भी नहीं करना भाई। अगर सोचोगे मैं ट्रिक वगैरह यूज कर रहा हूँ, यार कुछ भी नहीं, बस आप ड्राइव करोगे ना, ये गाड़ी वगैरह अपने आप भाई इधर उधर होते रहता है। आप यार मतलब यार बताऊंगा आपको यार, क्लास एक बार कस्टम बना के आप खेलना गाइस, देखना। और उसके बाद गाइस देखो अगर आप इस तरह से ट्रैक कर लेते हो, उसके बाद व्हीकल को कितना भी ब्लास्ट करो भाई, वो कभी भी ब्लास्ट नहीं होने वाला। यार अनलिमिटेड हेल्थ विद व्हीकल, देखो व्हीकल के साथ भी अनलिमिटेड हेल्थ व्हीकल भाई, कितनी गोली मारो बताओ। इतना ज़्यादा गोली वगैरह वेस्ट करने के बाद भी व्हीकल का कोई भी बिल बाल बाका यार डैमेज नहीं हुआ। देखो भाई वो फूटता ही नहीं, कितना भी कोशिश कर लो और ज़्यादा रिपेयर करोगे तो यार ऐसा हो जाएगा। देखो आपका व्हीकल के साथ में भाई ऐसे ऐसे गेज हैं जिसे यूज करने में थोड़ा बहुत आपको मजा आएगा, लेकिन गाइस क्या बताऊं भाई, क्राप लाइन मैप का यार कुछ फायदा ही नहीं भाई, केवल ग्लिच भरे इसमें यार, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्राप लाइन मैप बनाता हो कस्टम आपका पूरी तरह से वेस्ट होने वाला है भाई, कहीं पे ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको ग्लिच नहीं मिलेगा, हर जगह पे आपको बहुत सारे ग्लिचेस देखने को मिलेगा। देखो अगर आप इस तरह से ऊपर आते हो भाई, जो सूर्य मिलता है उससे उड़ के, और अगर सोचे कि आप नीचे से डैमेज देने के लिए, तो गाइस आप डैमेज भी नहीं दे पाओगे ऊपर आने के बाद भाई। ना ऊपर आने के बाद बंदूक किल कर सकते हो और ना ही गाइस नीचे जाने के बाद किल कर सकते हो। यार कौन सा सील है वहाँ पर पता नहीं भाई, क्रोनो से भी बहुत ज़्यादा। अब देखो गाइस यहाँ सामने आ चुका हूँ भाई, ये खुले में मैं इसे फायर कर रहा हूँ, लेकिन गाइस इसे कुछ भी डैमेज फर्क नहीं पड़ रहा, ये हवा में ऊपर थोड़ा सा फ्लाई कर, लेकिन गाइस उसे नॉर्मली इसी तरीके से भाई डैमेज देके आप तो किल नहीं कर सकते। तो देखो गाइस अगर आपके पास कस्टम है और अगर बनाना चाहते हो भाई, खेलना चाहते हो, तो एक बार खेलो, लेकिन मैं बोलूंगा भाई आप अपना कस्टम वेस्ट ही करोगे, क्योंकि यार ये जो क्राफ्ट लाइन का मैप है भाई, इसके अंदर एक नहीं यार इतने ग्लिचेस हैं कि आप गिनना भूल जाओगे भाई। अगर आपने गिना होगा तो भाई बताना, आप कमेंट करके कितने ग्लिच आपको मैंने बताया, तो आपका जो मैच का ना पूरा का पूरा राउंड खत्म हो जाएगा। लेकिन गाइस ग्लिच खत्म नहीं होने वाला भाई, इतने ग्लिच हैं पूरे राउंड पे आप भी पूरा कलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो गाइस ये वीडियो यार आपको भाई मजा आया होगा तो यार एक लाइक कर देना, एंड आपके पास कस्टम होगा तो गाइस बना लेना। वैसे तो यार फ्री में कस्टम मिला ही है, अगर आप खेलना चाहते हो भाई, मैंने सारे चीज आपको बता दिया भाई, और तो यार बहुत बचे हुए हैं, लेकिन गाइस इतना ही काफी है। अगर आप खेलना चाहते हो तो अपने कस्टम में क्रिएट करो और भाई ट्राई करो, आपको हो सकता है मजा आए, लेकिन भाई आपका कस्टम वेस्ट ही होगा। एंड अपने फ्रेंड के साथ में करना भाई, अननोन बंदे के साथ करोगे तो यार उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा, किसी भी अपने फ्रेंड को ऐड करना, उसके बाद इस कस्टम को बना के खेलना, हो सकता है यार बहुत ज्यादा आपको मजा आए। तो गाइस ट्राई करना, एंड कुछ न्यू ग्लिचेस मिले तो यार कमेंट करके मुझे भी बताना भाई, मैं भी ट्राई करूंगा उसे। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में भाई, नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।